आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चुनाव जीतने पर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का लालच दिया था, लेकिन वो चुनाव तो जीत ना सके और फिर वक्त रहते उन्होंने केजरीवाल की चालाकी भी भांप ली और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। शायद उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की हालत देखकर सब कुछ समझ आ गया हो, जो आए जब दिल्ली के चक्कर लगाते रहते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने अपने त्यागपत्र को भी साझा किया है, जिसमें लिखा है, पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले कर्नल अजय कोठियाल ने 20 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उत्तराखंड में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल अजय कोठियाल को राज्य में अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया था। लेकिन चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान आपके प्रतापनगर से प्रत्याशी रहे सागर भंडारी ने कर्नल अजय कोठियाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। सागर भंडारी ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की हार के लिए कर्नल अजय कोठियाल को जिम्मेदार ठहराया था। सागर भंडारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश में बड़ी हार हुई, लेकिन किसी भी जिम्मेदार नेता ने हार की जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कर्नल कोठियाल के नाम पर चुनाव लड़े गए थे, हर बैनर पर उनका फोटो था, इसलिए हार की जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए। लेकिन अभी तक उन्होंने ना तो मीडिया के सामने और ना ही पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को यह बात कही कि वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं, जबकि अन्य पार्टियों में चुनावों की हार के बाद कई नेताओं ने इस्तीफे तक दिए हैं। बता दें कि अजय कोठियाल ने फरवरी 2022 में गंगोत्री सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और हार गए थे। वे तीसरे नंबर पर रहे थे। यहां से भाजपा के सुरेश चौहान चुनाव जीते थे, अजय को सिर्फ 5,000 ही वोट मिले थे। कर्नल अजय कोठियाल 26 साल भारतीय सेना में रहे हैं, लेकिन पिछले साल 19 अप्रैल को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। अजय को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।